नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे लुधियाना से अयोध्या कैंट तक चलने वाली सभी ट्रेन की जानकारी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लुधियाना से अयोध्या तक चलने वाली सभी ट्रेन की जानकारी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लुधियाना से अयोध्या के बीच में कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उस ट्रेन का नाम क्या है, नंबर क्या है, ट्रेन जो है लुधियाना से कितने बजे निकलती है अयोध्या के लिए, कौन से प्लेटफॉर्म से निकलती है और अयोध्या कैंट जंक्शन में कौन से प्लेटफॉर्म पे कितने बजे पहुंचती है और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं और वो जो ट्रेन है कितना टाइम लगाती है और कौन से दिन चलती है और कितना डिस्टेंस कवर करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लुधियाना से अयोध्या के बीच में तकरीबन 5 ट्रेनें चलती हैं, जिनमें से सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो है अमृतसर टाटानगर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस, जो कि लुधियाना से अयोध्या की दूरी जो है 14 घंटे 7 मिनट में कवर करती है। और सबसे स्लोएस्ट है जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस, जो कि 18 घंटे 22 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं लुधियाना से अयोध्या तक चलने वाली सभी ट्रेन की जानकारी के बारे में। लुधियाना जंक्शन से जो सबसे पहली और सबसे स्लोएस्ट ट्रेन कह सकते हैं इस रूट पर है, वो है जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस, जिसे सियालदा एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका ट्रेन नंबर है 13152। ये जो ट्रेन है लुधियाना जंक्शन से रोजाना रात के 1:55 पे एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 18 घंटे 22 मिनट बाद अयोध्या कैंट जंक्शन में रात के 8:17 पे एक या दो नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है और इसके तकरीबन 36 स्टेशन हैं, 841 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 46 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास, एसी इकोनॉमी और जनरल डिब्बे हैं और पेंट्री कार का कोच शामिल है, LHB कोचेस वाली ट्रेन है। ये पहली ट्रेन है जो कि लुधियाना से अयोध्या कैंट जंक्शन के बीच में चलती है, जो कि सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है, 18 घंटे 22 मिनट पर अपनी दूरी जो है कवर करती है। इसके बाद जो दूसरी और सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है इस रूट पर है लुधियाना से अयोध्या के बीच में, वो है अमृतसर से टाटानगर तक चलने वाली जलियांवाला बाग एक्सप्रेस। इसका ट्रेन नंबर है 18104। ये जो ट्रेन है लुधियाना जंक्शन से हर बुधवार और शुक्रवार को दोपहर के 3:03 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 14 घंटे 7 मिनट बाद अयोध्या कैंट जंक्शन में सुबह 5:10 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 10 स्टेशन हैं और 841 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, LHB कोचेज वाली ट्रेन है। सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। इसके बाद लुधियाना से अयोध्या के बीच में जो तीसरी ट्रेन चलती है वो है सरयू यमुना एक्सप्रेस। सरयू यमुना एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 14650। ये जो ट्रेन है लुधियाना के पास डंडारी कलां से हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को शाम को 4:13 पर दो नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 16 घंटे 20 मिनट का समय लेती है ये अयोध्या कैंट जंक्शन में पहुंचने के लिए। सुबह 8:33 पर ही अगले दिन सुबह अयोध्या कैंट जंक्शन में दो नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। इसके तकरीबन 20 स्टेशन हैं और 833 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 51 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। ICF कोचेस वाली ट्रेन है। यह तीसरी ट्रेन है जो कि लुधियाना को अयोध्या कैंट जंक्शन से कनेक्ट करती है। इसके बाद जो चौथी ट्रेन इस रूट पर चलती है जो कि लुधियाना को अयोध्या कैंट से कनेक्ट करती है, वो है अमृतसर न्यू तिनसुखिया एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका ट्रेन नंबर है 15934। और ये जो ट्रेन है लुधियाना जंक्शन से हर शुक्रवार को शाम को 6:05 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 16 घंटे 15 मिनट बाद अयोध्या कैंट जंक्शन में सुबह 10:20 पर दो नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके पहुंचती है और उसके तकरीबन 8 स्टेशन से 841 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पे है 52 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। यह हर शुक्रवार को चलती है और कोचेस के बारे में बात करें तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, एसी इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। ये चौथी ट्रेन है जो कि लुधियाना जंक्शन को अयोध्या कैंट से कनेक्ट करती है। इसके बाद लुधियाना जंक्शन को अयोध्या से कनेक्ट करने वाली जो आखिरी ट्रेन इस रूट पर चलती है वो है गंगा सतलुज एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 13308। लुधियाना जंक्शन पंजाब से यह ट्रेन जो है हर रोज़ शाम के 7:44 पर दो या तीन नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 17 घंटे 26 मिनट बाद अयोध्या कैंट जंक्शन में अगले दिन दो नंबर प्लेटफॉर्म पर दोपहर के 1:10 पर पहुँचती है।
यह डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। इसके तकरीबन 34 स्टेशन हैं और 841 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 48 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं और पेंट्री कार का कोच भी शामिल है और LHB कोचेस वाली ट्रेन है। ये जो ट्रेन है इसके अगर कोच कंपोजिशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट एसी का एक कोच है, सेकंड एसी के इसमें 4 कोच हैं, थर्ड एसी के इसमें 6 कोच हैं, एक पेंट्री कार का कोच है, स्लीपर क्लास के इसमें 5 कोच है और जनरल अनरिजर्व डिब्बों के तकरीबन 3 कोच है। तो दोस्तों इसी के साथ लुधियाना से अयोध्या तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।